गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए फेलिक्स रैंडर। ओके, नाम से लग रहा होगा कि पोएम थोड़ी टिपिकल है, न जाने क्या है इस पोएम में, लेकिन कम टू द पॉइंट कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, साथ ही में एक एलिजी है, शॉर्ट एलिजी है। ओके, या सो एक्चुअली जो जीएम होपकिंस हैं, गेरार्ड मैनली होपकिंस, उन्होंने इसे एक एलिजी के रूप में लिखा है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एक सोनेट भी है। सोनेट, यू ऑल नो दैट सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स विद फिक्स्ड राइमिंग स्कीम। ओके, या सो जीएम होपकिंस जो हैं वो एक प्रीस्ट पोइट हैं, साथ में रिलीजियस भी हैं। तो ये जो पोएम उन्होंने लिखी है ये एक रिलीजियस फॉर्म में उन्होंने लिखी है, साथ ही में वो एक प्रीस्ट पोइट थे। नॉट ऐसा नहीं था कि वो बस कहने के लिए प्रीस्ट पोइट थे, बट मेन चीज़ ये थी कि वो वास्तव में एक प्रीस्ट पोइट थे। और जितने भी पेशेंट जो थे, यानी जो भी बीमार लोग थे, सिक पीपल्स थे, उनके घर घर जाकर वो उनकी सेवा किया करते थे। तो देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। जैसा कि मेरी सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया है, मतलब किसी भी पोएम को, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। ओके, सो कम टू द बैकग्राउंड कि जो फेलिक्स रैंडल पोएम है वो वास्तव में एक रियल स्टोरी पर बेस है। जीएम होपकिंस जो है वो एक प्रीस्ट पोइट थे, और प्रीस्ट पोइट होने के नाते फेलिक्स रैंडल नाम का एक बंदा था जो कि एक फेरियर था। अब आप पूछेंगे व्हाट इज़ द फेरियर। सो फेरियर मींस होता है कि एक शू मेकर, वी कैन से, जो कि क्या होता है कि जो घोड़ा होता है ना, एक घोड़ा, तो उसके जो पैर की जो काठी होती है, यानी सैंडल टाइप वी कैन से, तो वो बनाने का काम करता है फेरियर। ओके, तो फेलिक्स रैंडल भी काफ़ी अच्छा इंसान था, काफ़ी अकॉर्डिंग टू द पोएम अगर मैं बात करूँ तो पोएम में काफ़ी बिग बोन्ड और हार्डी हैंडसम बताया गया है इसे, ठीक है। तो जो फेलिक्स रैंडल था एक वास्तव में एक रियल पर्सन है, जो कि वास्तव में एक पर्सन एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द जीएम होपकिंस, ओके, सो जीएम होपकिंस ने बताया है कि जो फेलिक्स रैंडल था वो काफ़ी बीमार पड़ गया था, और जब वो बीमार पड़ गया था तो जो जीएम होपकिंस है एज अ प्रीस्ट पोइट, वो वहाँ पर गया, उसकी काफ़ी सेवा की, उसे सिंपथाइज किया, उसे ब्लेस किया, उसके लिए काफ़ी उन्होंने रैंसम्स किए, यानी काफ़ी धार्मिक अनुष्ठान भी उन्होंने किए, ठीक है, उसके पाप से मुक्ति के लिए। लेकिन बट एट दी एंड वो स्ट्रगल नहीं कर पाया अपनी बीमारी से, और काफ़ी उसे डिवाइन इंस्पिरेशन तो मिली, बट एट दी एंड ये हुआ कि उनकी जो है डेथ हो गई, ठीक है। तो जीएम होपकिंस जो थे वो उन्होंने क्या किया कि प्रीस्ट पोइट के रूप में उनकी काफ़ी सेवा की, तो उसके बाद यानी रियल स्टोरी पर बैसे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी सेवा की थी। तो उन्होंने जो भी होपकिंस ने देखा, यानी फेलिक्स रैंडल के साथ जो जो भी हुआ, तो उन्होंने सब कुछ इस पोएम में मेंशन किया है। सो दैट इज़ नॉट अ फिक्शनल, और वी कैन से नॉट एन इमेजिनेटिव पोएम, बट या इट इज़ लिटरली अ रियल बेस्ड स्टोरी, वास्तव में एक रियल पर्सन के लाइफ पर बेस्ड स्टोरी है, ठीक है। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर इंटरप्शन लेट्स बिगिन। ओके, या सो नाउ, या सो लेट्स कम टू द पोएम ऑन द लाइन फर्स्ट। फेलिक्स रैंडल, सो फेलिक्स रैंडल यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है, ओके, जैसा कि पोएम का टाइटल भी है, फेलिक्स रैंडल द फेरियर। फेरियर यानी होता है कि जो लोहा की खुर बनाता है, यानी एक घोड़े के लिए लोहे की खुर बनाने वाला व्यक्ति होता है, जिसे फेरियर कहते हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट शू मेकर, ओके, तो शू मेकर भी हम इसे कह सकते हैं। तो अब जो होपकिंस है वो कह रहे हैं कि फेलिक्स रैंडल द फेरियर, जो कि फेरियर है, ओ इज़ ही डेड देन, अरे क्या तब उनकी मृत्यु हो गई है, यानी क्योंकि जो फेलिक्स रैंडल है उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब वो पोएम के जरिए हमें बता रहा है कि ओ इज़ ही डेड देन, अरे क्या तब उसकी मृत्यु हो गई है, माई ड्यूटी ऑल एंडेड, यानी मेरा कर्तव्य तो अब समाप्त हुआ, क्योंकि वो एक प्रीस्ट पोइट के रूप में थे और इसीलिए उनका जो कर्तव्य है, यानी उनकी जो ड्यूटी है, वो सभी ऑल एंडेड, यानी समाप्त हो गई है। ओके, सो हु हैव वॉच्ड हिज मोल्ड ऑफ मैन। अब यहाँ पर जो हु वर्ड है, यहाँ पर हु वर्ड किसके लिए आ रहा है, होपकिंस के लिए, यानी पोइट के लिए आ रहा है, ठीक है। तो हु हैव वॉच्ड, जिसने देखा है हिज मोल्ड ऑफ मैन, यानी उसके शक्तिशाली, मजबूत, मोल्ड मीन्स लिख लीजिएगा शक्तिशाली या मजबूत, मजबूत उस आदमी को, यानी उसके मजबूत हृदय को, उसके मजबूत शरीर को मैंने देखा है। ओके, बिग बोन्ड, जिसकी बिग बोन्ड, यानी बड़ी ही मजबूत हड्डियाँ थी, एंड हार्डी हैंडसम, हार्डी यानी बड़ा ही शक्तिशाली था, और हैंडसम यानी बड़ा ही सुंदर था, ठीक है।
आई होप ये टू लाइन्स आपको समझ में आ गई होंगी. ओके, पाइनिंग पाइनिंग, वह तड़पता रहा टिल टाइम, उस समय तक, व्हेन रीजन रैम्बल्ड इन इट. रीजन यानी होता है तर्क. ओके, सो व्हेन रीजन, जब तर्क जो थी रैम्बल्ड इन इट, रैम्बल मीन्स होता है निरुद्देश्य भटकना बिना कारण के, ठीक है. तो टिल टाइम, उस समय तक, कब तक तड़पता रहा, टिल टाइम, उस समय तक, व्हेन रीजन रैम्बल्ड इन इट, जब तर्क जो थे तर्क वो निरुद्देश्य भटकने लगे इसके अंदर. एंड सम, और कुछ, फैटल फॉर डिसऑर्डर्स, फैटल फॉर मीन्स चार घातक तत्व, और जो कुछ चार घातक तत्व थे वो भी डिसऑर्डर यानी अव्यवस्थित हो गए थे. फ्लैश्ड देयर, फ्लैश्ड यानी वहाँ पर समाविष्ट हो गए थे, फ्लैश्ड मीन्स समाविष्ट होना. ओके, सो फ्लैश्ड देयर यानी वहाँ पर समाविष्ट हो गए थे. ऑल कंटेंडेड, और सभी क्या करने लगे थे, आपस में संघर्ष करने लगे थे. यानी देखिए फोर जो फैटल फोर जो चीज़ें दी गई हैं वो कि देखिए अगर हम दो सेंस में बात करें तो चार जो तत्व होते हैं वो होते हैं अर्थ फायर वाटर एंड एयर. ओके, लेकिन ह्यूमन बॉडी की बात करूँ मैं, देखिए ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो वात कत पित्त कफ वगैरह ये चीज़ें जो होती है उनके बारे में पॉइंट बात कर रहा है, ठीक है. तो ये पॉइंट कह रहा है यहाँ पर कि जो चार चीज़ें थी वो भी क्या हो गई थी, अव्यवस्थित हो गई थी, और वह क्या हो गई थी, वहाँ पर समाविष्ट हो गई थी और आपस में संघर्ष करने लगी थी. ओके, सो अगर मैं क्रिटिकल अप्रिसिएशन की बात करूँ, जैसे कि मोस्टली पोएम्स वगैरह एग्जाम्पल्स में, यू नो, अगर या अगर मैं यू नो एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या फिर कोई भी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम ले लो, तो उसी में क्रिटिकल अप्रिसिएशन यू नो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है अपने आप में. तो ठीक है, तो मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच की बात करती हूँ सबसे पहले, तो हार्डी हैंडसम. सो ऑल नो, यू ऑल नो दैट कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, यानी होता है अलंकार, ठीक है. जैसे कि लिटरेचर से जुड़ी गए हैं आप सभी तो आपको पता ही होगा कि जो फिगर ऑफ स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, इंपॉर्टेंट रखती हैं अपने आप में, क्योंकि जो ये है एज अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन और ये चीज़ें बहुत ही वैल्यू करती हैं, ठीक है. तो अगर बात करूँ यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पर है हार्डी हैंडसम में है एच एच. जब फर्स्ट जो लेटर होता है, फर्स्ट लेटर का रिपीटिशन होता है तो देन कौन सा होता है, एलिट्रेशन. एलिट्रेशन मीन्स होता है अनुप्रास. ओके, या सो एच एच मीन्स यहाँ पर एच जो वर्ड है उसका टू बार रिपीटिशन हो रहा है और इसीलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन. ओके, सो अगर हम एक और चीज़ नोटिस करें तो मैंने आपको बताया अभी अभी कि एक ही जब एक लेटर रिपीट होता है तब तो एलिट्रेशन होता है, लेकिन पूरा वर्ड रिपीट होगा तो वहाँ पर होगा रिपीटिशन. ओके, सो पाइनिंग पाइनिंग टू टाइम्स रिपीट हो गया तो यहाँ पर होगा रिपीटिशन. ओके, एंड अगर मैं बात करूँ फैटल फोर की तो एफ एफ मीन्स एलिट्रेशन. यहाँ पर रिपीटिशन नहीं करना, रिपीटिशन तभी होगा जब सिमिलर वर्ड रिपीट होंगे. ओके, तो तभी होगा. ओके, सो यहाँ पर देख लीजिए आप, हार्डी हैंडसम है, पाइनिंग पाइनिंग है, रीजन रैम्बल है, ओके आई मिस इट, कि रीजन रैम्बल यानी आर आर, यहाँ पर भी एलिट्रेशन है. फैटल फॉर यानी बहुत ही शानदार यूज़ किया है एलिट्रेशन का जेएम हॉपकिंस ने. सो लेट्स कम टू द सेकेंड स्टैंजा. ओके, सो फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि फेलिक्स रेंडल का ओवरऑल व्यू बताया है पोइट ने, उसके बारे में बताया कि फेलिक्स रेंडल एक फेरियर था, उसकी मृत्यु हो गई, मेरा कार्य संपन्न हुआ, वो किस प्रकार का व्यक्ति था, कैसे तड़पता रहा, उसके शरीर में क्या क्या चीज़ें डिसऑर्डर हो गई थी, ठीक है. सो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की. ओके, सो सिकनेस ब्रॉक है, सिकनेस मीन्स होता है बीमारी, बीमारी ने उसे ब्रॉक यानी तोड़ दिया था. इम्पेशेंट यानी अधीर होकर, ही कर्स्ड एट फर्स्ट यानी कर्स्ड यानी कोसना, उसने सबसे पहले किसको कोसा, ईश्वर को. ओके, सो ही कर्स्ड एट फर्स्ट, उसने सबसे पहले ईश्वर को कोसा, बट मैंडेट लेकिन उसमें सुधार हुआ. ओके, बींग अनॉइंटेड एंड ऑल, उस पर अनॉइंटेड मीन्स होता है मरहम लगाना. अब देखिए मरहम ऐसा तो नहीं था कि कोई उसके लिए दवाई बनाई गई हो, नो 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 नो, यहाँ पर पॉइंट बात कर रहा है मरहम कैसा था, सहानुभूतिपूर्ण बातों का, ठीक है. यानी ये जो जी एम हॉपकिंस
फ्रेंड्स हैं उन्होंने उस पर बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें उसको सिंपथाइज किया, उसको अच्छी अच्छी सहानुभूतियाँ दी और उसको बड़े प्यार से उसके सिर को सहलाया। तो ये चीज़ें थी बींग अनॉइंटेड एंड ऑल, इसीलिए पोइट कह रहा है उस पर मरहम लगाया गया। ओके, दो अ हेवनलियर हार्ट बिगेन सम मंथ्स अर्लियर, और तब क्या हुआ, यद्यपि अ हेवनलियर हार्ट यानी एक देवीय हृदय बिगेन यानी प्रारंभ हुआ सम मंथ्स अर्लियर, कुछ महीने पहले यानी मृत्यु के कुछ महीने पहले उसके यानी कैसा हृदय प्रारंभ हुआ, देवी हृदय, पहले तो ईश्वर को कोस रहा था लेकिन फिर क्या हुआ, जब उस पर सहानुभूतिपूर्ण बातों का मरहम लगाया गया तो उसमें क्या हुआ, देवी हृदय का प्रारंभ होना शुरू हो गया। सिंस आई हैड आर स्वीट रिप्राइव एंड रैनसम टेंडर टू हिम, ओके, सो अब पॉइंट बता रहा है सिंस आई हैड यानी कि मैंने क्या क्या किए थे, स्वीट रिप्राइव एंड रैनसम, रिप्राइव एंड रैनसम यानी धार्मिक अनुष्ठान, यानी धार्मिक अनुष्ठान इसीलिए किए थे ताकि उसकी पाप से मुक्ति हो सके, ठीक है। सिंस आई हैड आर स्वीट रिप्राइव एंड रैनसम, रिप्राइव एंड रैनसम यानी धार्मिक अनुष्ठान, यानी मैंने बड़े अधार्मिक अनुष्ठान किए, टेंडर टू हिम जिसने उसे कोमल बना दिया, ओ वेल, अरे बहुत अच्छा, गॉड रेस्ट हिम ऑल रॉड एवर ही ऑफेंडेड, ओके, सो ओ वेल, अरे अच्छा है, गॉड जो है, ईश्वर जो है, रेस्ट हिम उसे क्षमा करे, आराम नहीं, यहाँ पर रेस्ट का मीन हम लेंगे क्षमा करना, ओके, सो जो ईश्वर है वो उसे क्षमा करे, ऑल रॉड उन सभी रास्तों के लिए, एवर ही ऑफेंडेड, एवर यानी हमेशा के लिए, जिन पर चलकर ही ऑफेंडेड, जिन रास्तों पर चलकर उसने क्या किए हैं, ऑफेंडेड यानी पाप किए हैं, हो सकता है उसने पाप भी किए हों, तो ईश्वर उन सभी रास्तों के लिए उसे माफ़ करे जिन रास्तों पर चलकर उसने क्या किए हैं, पाप किए हैं, ओके, ओके, सो नाउ कम टू द थर्ड स्टेंजा, ओके, दिस सीइंग यह देखा जाता है, द सिक, सिक यानी यहाँ पर सिकनेस, वी विल टेक द सिकनेस, ओके, सिकनेस मीन्स होता है बीमारी, दिस सीइंग द सिकनेस यानी जो बीमारी होती है एंडियर्स देम टू अस, वो उन्हें हमारी प्रति प्रिय बना देती है, ओके, यानी जो बीमार लोग होते हैं ना उनको हमारी प्रति प्रिय बना देती है, अस टू इट एंडियर्स, और उन्हें भी यानी अस यानी हमें भी उनके प्रति यानी उनको हमारे प्रति और हमें उनके प्रति प्रिय बना देती है, क्योंकि बीमारी में क्या होता है, जब एक इंसान बीमार होता है तो वो उसके आसपास जो उसकी केयर करने वाला होता है उसको सबसे ज़्यादा चाहता है, यानी वो उसी से उसको ज़्यादा प्रिय होता है, और जो ये ऐसे जो प्रीस्ट लोग होते हैं वो उन अपने जो बीमार लोग होते हैं उन पर ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको उनकी बड़ी परवाह करते हैं, उनको बड़े प्रिय लगते हैं, इसीलिए पॉइंट यहाँ पर कह रहा है माई टंग हैड टोट दी कम्फर्ट, अब पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि माई टंग मेरी जो जुबान है, हैड टॉट उसने सिखाया है दी तुम्हें कम्फर्ट आराम, टच हैड क्वेंच्ड दाई टीयर्स, और जो मेरे टच यानी स्पर्श था उसने क्या किया, क्वेंच्ड यानी पोंच दिया दाई टीयर्स यानी तुम्हारे आंसुओं को, ओ फेलिक्स रेंडल, ठीक है, फेलिक्स रेंडल से कह रहा है कि मेरी जुबान ने तुम्हें सिखाया है आराम, आराम मीन सांत्वना, ठीक है, और मेरे स्पर्श ने पोंच दिए तुम्हारे आंसुओं को, अब आगे कह रहा है कि दाई टीयर्स दैट टच्ड माई हार्ट फेलिक्स चाइल्ड फेलिक्स पुअर फेलिक्स रेंटल, ओके, और तुम्हारे आंसुओं ने स्पर्श कर लिया मेरे हृदय को बच्चे फेलिक्स बेचारे बैल फेलिक्स रेंटल, ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा सिंपथेटिक वे में हम देखेंगे यहाँ पर, ओके, एंड अगर हम बात करते हैं सो नेक्स्ट स्टेंजा की, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेंजा में उसके थोड़ा पास्ट के बारे में पॉइंट ने बताया है, हाउ फार फ्रॉम देन फॉर थॉट ऑफ ऑल दाई मोर बॉयस्ट्रस ईयर्स, ओके, How far from than forethought of? So far from than forethought, this is a phrase जिसका मतलब होता है कि बिना विचारे, okay? Yeah, so how किस प्रकार far from than forethought यानी बिना विचारे all thy more boisterous years, तुम्हारे जितने भी शोरगुल भरे या प्रसन्नता भरे, boisterous यानी शोरगुल कह दो या प्रसन्नता भरे जो वर्ष थे उसमें, when जब दाउ तुम at the random यानी यूं ही या बिना उद्देश्य के, बिना किसी उद्देश्य के या यूं ही तुम क्या करते थे, ग्रीम फोर्ज, ग्रीम यानी होता है जो कठोर होती है, फोर्ज यानी जो अग्नि की भट्टी यानी जो कठोर अग्नि की भट्टियाँ होती, क्योंकि देखिए जैसा कि वो शू मेकर है तो शू मेकर अपना काम जो काठी वगैरह बनाते हैं तो वो क्या होता है, अग्नि की भट्टी जो होती है ना उसके आगे बैठकर बनाया करते हैं,
तो उसी लिए कह रहा है पोइट कि तुम किस प्रकार बिना विचारे तुम्हारे प्रसन्नता भरे वर्षों में, जब बिना उद्देश्य के अग्नि की भट्टी के आगे तुम बैठ जाते थे पावरफुल अमिस्ट पीयर्स, और तुम बड़े शक्तिशाली थे तुम्हारे बराबर के साथियों में। ठीक है, अमिस्ट यानी बीच में, किसके बीच में, पीयर्स यानी तुम्हारे बराबर के साथी, पीयर्स यानी कंपेनियन। ठीक है, तो बराबर के साथियों के बीच में तुम बड़े ही शक्तिशाली थे। जस्ट फैटल, फैटल यानी होता है प्रिपेयर करना, तैयार करना, तुम तैयार करते रहते थे फॉर द ग्रेट ग्रेट होर्स। ग्रेट यानी बड़े से, ग्रे रंग के जो ड्रे होर्स यानी जो गाड़ी खींचने वाले घोड़े होते हैं उनके लिए तुम तैयार करते थे हिज ब्राइट एंड बैटरिंग सैंडल, उसकी चमकीली और मजबूत काठी को। ठीक है, सैंडल यानी काठी या फिर हम कह सकते हैं सीट को। ठीक है, तो तुम क्या करते थे, तुम तैयार करते रहते थे। ठीक है, तो इस तरह से पोइट ने बताया है, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन दे दिया है, और आई होप गाइस कि आपको समझ आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, फिर से वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ आ ही गई होगी, और आफ्टर यू नो वॉचिंग माई वीडियो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं भी आपको डाउट लगा होगा। और जैसा टाइटल आपने पहले देखा था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आपको बहुत ही मज़ा आया होगा इस पोएम को पढ़ने में। ऐसा लग रहा होगा पहले स्टार्टिंग में टाइटल देख के कि यार वास्तव में क्या है ये फेलिक्स रैंडल, व्हाट इज़ फेलिक्स रैंडल, लेकिन आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो आई होप गाइस कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर मैं कहूँ तो मेरी एक भी ऐसी वीडियो नहीं है जो अगर आपने देखी और आपको समझ ना आए, फुल गारंटी है, मेरी फुल गारंटी है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे पहले से हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और भी कुछ आपकी क्वेरीज हों तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैंशन करिएगा। ठीक है, सो आपका क्विक रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।